हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालॉजी। एनालॉजी को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे, बेसिक टू हाई लेवल पर समझेंगे। नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे थोड़ा, जो ट्वेल्थ क्लास के फ्रेशर हैं, ट्वेल्थ पास आउट किया है जिन्होंने, जो फ्रेशर एस्पायरेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो साइंस स्ट्रीम के हैं, आर्ट साइड के हैं, जिन्हें रीजनिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अभी कोई आइडिया नहीं है रीजनिंग के टॉपिक्स का, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि मैं बिल्कुल बेस से लेकर जाऊंगी, बेस से हाई लेवल पर लेकर जाएंगे, ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, हम एग्जांपल्स करेंगे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएं इस टॉपिक को लेकर। एग्जाम में बैठ के बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एनालॉजी का मतलब है सिमिलैरिटी। ठीक है, मतलब यू आर गिवन अस पेयर ऑफ वर्ड्स, लेटर्स और नंबर्स हैविंग सर्टेन रिलेशनशिप। आपको पेयर दिए जाएंगे, दो पेयर दिए जाएंगे आपको, जिनमें थोड़ी जिनमें हमें रिलेशनशिप बताना है कि रिलेशनशिप इन वर्ड्स में, लेटर्स में, नंबर्स में रिलेशनशिप क्या बन रहा है। आपको जो अल्टरनेटिव दिए होंगे उसमें से सेलेक्ट करना होगा जो बेस्ट मैच करेगा रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स, लेटर्स और नंबर्स। ठीक है, मतलब और जो ये एनालॉजी है, सेट ऑफ बाय अ कोलन, ये कोलन है, और रेशियो साइन। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में रेशियो प्रोपोर्शन, वो वाला रेशियो, रेशियो साइन, और ये जो है ये डबल कोलन जो पेयर को सेपरेट करता है। मींस जैसे आपको ये डिजिट दे दी 60:12 डबल कोलन 12:48, इसका मतलब है ये डिनोट करता है हमारा रेशियो, ये कोलन है, आप इसको रेशियो भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमने x मान ली, ये y मान ली, यानी x इज रिलेटेड टू y। ठीक है, सिमिलरली इन द सेम वे, इसका मतलब होता है इन द सेम वे, मतलब x इज रिलेटेड टू y इन द सेम वे a इज रिलेटेड टू b। ठीक है, इस तरीके से हमें अल्टरनेटिव दिए जाएंगे, आपको अल्टरनेटिव दिए जाएंगे, उसमें से सेलेक्ट करना होगा आपको जो बेस्ट मैच करेगा रिलेशनशिप इन इनके बिटवीन में, दो पेयर के बिटवीन में। ठीक है, इनके कुछ टाइप्स है एनालॉजी के, ये मतलब आप एग्जामिनर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर में कुछ ईजी भी आ सकता है, कुछ हार्ड भी आ सकता है। एक क्वेश्चन दे दिया बिल्कुल ईजी लेवल को, एक बिल्कुल हार्ड लेवल का, तो आपको कोई कन्फ्यूजन होने नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमें ऑप्शंस से भी देखने होंगे, कुछ क्वेश्चंस का मतलब हमें रिलेशनशिप नहीं समझ आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है एक क्वेश्चन में दो आंसर आ रहे हैं जैसे किसी के, तो उस क्वेश्चन को री एग्जामाइन करना ही, कहीं हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि एक एक कभी कभी कन्फ्यूजन के चक्कर में हमारा एक एक वर्ड भी हमारी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इनके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी। ठीक है, फोर टाइप्स की एनालॉजी होती है। एनालॉजी में आपको दो वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको उन दो वर्ड्स में से रिलेशन बताने हैं, दो वर्ड्स का क्या रिलेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, आपको दिए गए लोयन इज रिलेटेड टू कब, साफ साफ पता चल रहा है लोयन इज रिलेटेड टू कब, लोयन का बच्चा है। ठीक है, तो रिलेशन बन रहा है इसमें। सिमिलरली यहाँ पे कुछ आपको दे देंगे, डॉग का, डॉग इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। लेटर एनालॉजी में इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू लेटर्स, दो लेटर का एक दूसरे से कनेक्शन होगा, दो लेटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जैसे लेटर का जैसे देखिए हमने ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इन द सेम वे ई एफ रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, आपको बताना है, ये जो सिंपल है वैसे जी एच ही होगा, सीक्वेंस बन रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर एनालॉजी। इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी इसमें भी दो नंबर में रिलेशनशिप देखना है, एंड यू हैव टू फाइंड द सेम रिलेशनशिप फ्रॉम द रिलेटिव अल्टरनेटिव। ठीक है, नंबर एनालॉजी में भी आपको इसमें दिया हुआ है, आपको आपको कोई दो वैल्यू दे देंगे, तो इन मतलब आपको जैसे कोई दो वैल्यू दे दी, वन इज रिलेटेड टू टू, सिमिलरली यहाँ पे दे दिया कि x इज रिलेटेड टू y, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, या फिर आपको दे सकते हैं वन इज रिलेटेड टू टू इन द सेम थ्री इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको ये आपको रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप क्या बन रहा है एक पेयर में, जो हम दूसरे पेयर का रिलेशनशिप निकाल सके। फिगरल एनालॉजी में भी सेम है, इसमें दो फिगर आर रिलेटेड टू कॉमन नेचर, दो फिगर आपको दी जाएंगे जो कॉमन नेचर की होंगी, विद ये यूनिक प्रॉपर्टीज एस स्ट्रक्चर रिलेशन, या फिर कुछ मोशन कर दिया उसमें फिगर में, तो इस तरीके से आपको फिगर आउट करना है कि फिगर एनालॉजी में
किस तरीके से, तो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर इस टॉपिक को कर सके एग्जाम में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहले हम इजी एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े हाई लेवल तक जाएंगे धीरे धीरे, ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने एनालॉजी के, ये है नंबर एनालॉजी का एग्जाम्पल। आप एक बार क्वेश्चन में देखना, आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा आंसर के लिए, या फिर आप ऑप्शंस में से कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो आप ऑप्शन के थ्रू आंसर पर पहुंच सकते हैं। आपको एक एक ऑप्शन पुट करके देखना पड़ता है जो पेयर दिए हुए हैं आपको, आप क्वेश्चन को देखो, कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिल जाएगा आपको जो आपको दिए हुए आपको ऑप्शन। ये है 22, मैंने आपको बताया था कॉलम का मतलब है इज रिलेटेड टू 10। इन द सेम वे 32 इज रिलेटेड टू x, x की वैल्यू बतानी है आपको, चार ऑप्शन दिए हुए 12 15 14 13, ठीक है। अब आप इसमें देखो, पहले पेयर में क्या आपको रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन बन रहा है पहले पेयर का, 22 इज रिलेटेड टू 10। अब आप देखोगे सबसे पहले आपके माइंड में आएगा दोनों चीजें 2 से डिविजिबल है, 22 भी और 10 भी, यहाँ पे भी 2 से डिविजिबल हो रहा तो शायद आंसर 2 से डिविजिबल वाला आ जाए, लेकिन आपको वैल्यू पुट रख के देखना, वैल्यू पुट करके देखना कि क्या वो रिलेशनशिप सही बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या वो इक्वल रिलेशनशिप बन रही है या नहीं, ठीक है। हम हर तरीके से देखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है 22 10 into 2 20 plus 2, यानी 22 ऐसे बन रही है रिलेशनशिप। ये जो ये हमारी y की वैल्यू दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस किया 2 से, तो ये वाली वैल्यू बनकर आई है। सिमिलरली हम यहाँ पे करके देते हैं, यहाँ पे हम पहले वैल्यू रख के देख लेते हैं 12 की, 12 into 2 plus 2 बन रहा है, नहीं 26 आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ तो 32 है। 15 रख के देखते हैं, 15 into 2 plus 2 15 to 30 plus 2 32, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 15, x की जगह हमारा 15 आ गया। इस तरीके से हमें ऑप्शन के थ्रू देखना है, हमें ऑप्शन को पुट करके देखना है कि हमें ऑप्शंस को पुट करके देखना है कि क्या हमारी वैल्यू निकल रही है इससे या नहीं। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा लेटर एनालॉजी का एक एग्जांपल है, PBC इज रिलेटेड टू QAE, इन द सेम वे LKA इज रिलेटेड टू X, X की वैल्यू निकालनी है हमें। हम देखते हैं, हम पहले इन दोनों में देखते हैं PBC QAE, आपको क्या दिख रहा है, PBC कोई बन नहीं रहा है सर, QAE कुछ नहीं बन रहा, हम इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं क्या रिलेशन है, P के बाद Q आता है, ठीक है, तो क्या हो गया, प्लस वन हो गया, प्लस वन, B के बाद A, नहीं A के बाद आता है तो माइनस वन हो गया, B माइनस वन A, C के बाद E आता है, कितना प्लस हुआ, CDE प्लस 3 हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी L के बाद प्लस करेंगे कितना आएगा, M प्लस 1 हो गया। अब आप ये देख लो, M हमारा पहला लेटर बन रहा है, M M देख लो आप पहले कौन कौन से ऑप्शन में, M C ऑप्शन में आ रहा है, A ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल कर दो, यानी ये ऑप्शन आंसर में है ही। अब ये देखते हैं इन दोनों में से कौन सा बन रहा है। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन में से भी देख सकते हैं, के के नहीं, ये नहीं है तो इसे भी कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन होके आ रही है अल्फाबेट की वैल्यू, जे और के यहाँ पे बन रहा है, तो आंसर क्या हो गया है, जे, सिंपल था, कुछ नहीं था, बस आपको लॉजिक लगाना और कुछ नहीं करना इन क्वेश्चन से, बस लॉजिक की बात है थोड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, 20 इज रिलेटेड टू 11, इन द सेम वे 102 इज रिलेटेड टू x, x की वैल्यू बतानी है हमें। अब आप इसमें देखो रिलेशनशिप क्या बन रहा है, भाई 2 से डिविजिबल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। हम इसमें देखते हैं 20 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से, 10 आता है, उसमें प्लस करते हैं 1, 11 बन रहा है, सिंपल। इसी तरीके से इसको करते हैं, 102 को डिवाइड करते हैं 2 से, क्या बनता है, प्लस 1 भी करना है हमें इसमें, तो ये आता है 51 प्लस 1 इज इक्वल टू 52, आंसर क्या हो गया हमारा 52, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है हमको, हम अभी और इस सारी एग्जांपल्स आपको बताएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इस पैटर्न में आपको अलग अलग पैटर्न में करके दिखा रही हूँ, काफी सारे पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने नंबर एनालॉजी का एक पैटर्न लिया है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट वाला एक पैटर्न है, आपको हर तरीके का पैटर्न देख समझना है, करना है, बहुत सारे तरीके के पैटर्न आते हैं ये, मतलब क्वेश्चन ऐसे है, रीजनिंग ऐसी है, SSC का ले लो, SSC के CHSL का ले लो, CGL का ले लो, रेलवे स्टेनोग्राफर, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आप, रीजनिंग आती ही आती है। रीजनिंग पे अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन में कहीं भी
डर के बैठ नहीं सकते, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 8 इज रिलेटेड टू 28, इन द सेम वे 27 इज रिलेटेड टू x, ऑप्शन दिए हुए 8, 28, 64, 65। आपको साफ साफ क्या दिख रहा है, ये एक क्यूब रूट स्क्वायर रूट वाला पैटर्न है। तो 8 2 का क्यूब बन रहा है, 28 किसी का क्यूब नहीं बन रहा है, 27 3 का क्यूब बन रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो किसी का क्यूब रूट नहीं बन रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं 8 जो बन रहा है वो 2 का क्यूब है, ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। 28 का क्या हो रहा है, आप देखो 2 के बाद 3 आता है, 3 का क्यूब 27 हो गया, तो उसमें प्लस 1 दे रखा है, 3 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 28। अब इन द सेम वे आप जो स्पेयर में रिलेशनशिप दिया हुआ है उसी तरीके से आप उसी सेकंड पेयर में भी आप वो ही रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करेंगे। 27 3 का क्यूब है, ठीक है, 3 के बाद आता है 4, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 प्लस 1 65। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, ये आपको देखने में लंबा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको बस माइनस करना है और कुछ नहीं है। जो इतने बड़े बड़े होते हैं उसमें नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन ही दिया हुआ होता है, मल्टीप्लीकेशन बहुत कम दी हुई होती है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बहुत कम दिया हुआ होता है, ठीक है। आप देखो माइनस करके देख लो आप इसको, इसमें से क्या 7524 को 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 3 2, सिंपल है, 2 2 2 2 माइनस हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ भी 2 2 2 2 माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2451। आपको ऐसे भी दे सकते हैं नॉर्म ऑफ दिस कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैंने ये वर्ड एनालॉजी में लिया है, ये एग्जांपल वर्ड एनालॉजी का है, हर तरीके के एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, इजी से लेके थोड़े हाई लेवल पर जा रही हूँ ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, फिर भी आपको कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन, साइंस साइड के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आयरन इज रिलेटेड टू मेटल इन द सेम वे ऑक्सीजन इज रिलेटेड टू व्हाट, रेस्पिरेशन गैस कलरलेस लिविंग, आसानी से बता सकते हैं, आयरन एक क्या है धातु है, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है कलरलेस, नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, इसका लिविंग से भी कोई मतलब नहीं है, रेस्पिरेशन से भी कोई मतलब नहीं है, तो ऑक्सीजन एक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर एनालॉजी भी है, 13 इज रिलेटेड टू 27 इन द सेम वे 31 इज रिलेटेड टू व्हाट, आपको दिए हुए हैं 63 58 69 74, हर तरीके से करके देख सकते हैं, वैसे तो इसमें सिंपल सिंपल दिख रहा है, 13 इंटू 2 प्लस 1, 13 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 27, सिमिलरली 31 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 272, 236 प्लस 1 63 इज द आंसर। सिंपल है, बस लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना है आपको इन क्वेश्चंस में, एनालॉजी का एक ऐसा टॉपिक है बस लॉजिक की बात होती है, वरना क्वेश्चन चुटकियों में हो जाता है आपका, ठीक है। मैंने PYQ में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एक कंट्री दे दी थी और उसकी कैपिटल दे दी थी, उसका रिलेशन बताना था इसमें से, जैसे सपोज करो रशिया की दी थी, रशिया कंट्री की करेंसी है रबल, आपको बताना है इराकी कैपिटल क्या है, करेंसी सॉरी इराक कैपिटल है, इसकी करेंसी बतानी थी आपको, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक सिनोनिम एंटोनिम के भी क्वेश्चन बनते हैं, ये जो वर्ड एनालॉजी होती है इन पे सिनोनिम एंटोनिम के भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ही देखिए आपको, बर्थ इज रिलेटेड टू डेथ इन द सेम वे इंक्रीज इज रिलेटेड टू व्हाट, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आंसर क्या है। ये एंटोनिम का क्वेश्चन है और ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों वर्ड एनालॉजी की है, लेकिन ये सिनोनिम एंटोनिम का मैंने एग्जांपल दिया है और ये करेंसी एंड ये कैपिटल का एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी वीडियो, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।